आप लोग से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैट्रिमोनियल लाइफ जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है, और हमारे तो उसके बारे में हम अपना क्या कहें। हम वी आर हैप्पीली मैरिड सिंस लास्ट 45 ईयर्स और सो, और हमारी शादी लॉन्ग एगो हुई है। लेकिन कहा जाता है कि शादी के एक साल तक चंद्रमुखी वाला स्टेज है। चंद्रमुखी माने हनीमून वाला स्टेज समझिए। तो कोशिश कीजिए जरूर कि यह हनीमून वाला स्टेज ही लाइफ लॉन्ग परसिस्ट कर जाए, और सबका आशीर्वाद रहे और सबका कृपा, ऊपर वाले की कृपा जरूर रहे। लेकिन अधिकतर में देखा है क्या कि 7 साल जाते आते शादी के, 7 साल जाते आते अब सूर्यमुखी वाला स्टेज में चला आता है। सूर्यमुखी का मतलब सनफ्लावर वाला स्टेज है, और इस पर एक हॉलीवुड की एक मूवी भी है 7 Years Each। उसके बाद कुछ कुछ खटपट खुटखट होना शुरू हो जाएगा। ये सूर्यमुखी का स्टेज है, और उसको 7 × 14 = 15 कर दीजिए, उसके बाद जो है अधिकतर जो है वो स्टेज आ जाता है जिसका नाम है ज्वालामुखी स्टेज। ज्वालामुखी, अब हम लोग जो है अब क्या कहें, हम लोग 45 ईयर्स ऑफ एज हो गए, हम लोग ज्वालामुखी का उसके ऊपर भी बहुत निकल चुके हैं। और दो लविंग चिल्ड्रन हमारे हैं, बहुत केयरिंग है, और दोनों आज के तारीख में FRCS है, रॉयल कॉलेज लंदन से डबल FRCS है सब, हम खुद भी FRCS है। तो एक मैंने FRCS ही मैं नहीं हूँ, दो FRCS डबल FRCS के बच्चों का मैं पिता भी हूँ। हमारी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, शी इज़ अ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, एंड बोथ ऑफ अस हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। बोथ वी आर बेस्ड इन पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो इसलिए आप लोगों को बताया कि कोशिश करिए कि भाई हनीमून वाला स्टेज ही और लाइफ लॉन्ग रह जाए, और उसके बाद सूर्यमुखी का स्टेज ही नहीं आया, और ज्वालामुखी तो एकदम ही नहीं है। लेकिन नोकझोंक भी पारिवारिक जीवन का एक अंग है, वो होते रहना चाहिए। वो नहीं भी हो रहा है तभी भी लफड़ा है, ये भी समझिए। इसलिए डोंट टेक इट एनीथिंग अब नॉर्मल, हर पति पत्नी में कुछ ना कुछ कभी कभी नोक नोक होते रहता है, दैट इज़ बट नेचुरल। सो टेक एवरीथिंग इन टू स्ट्राइड, नथिंग टू वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी, सी यू, बाय।